हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साथीस कुकरी शो। आज मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी कुछ बढ़िया सा बनाओ। तो बच्चों को क्या, बच्चों को तो पसंद आता है चटपटा, तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ चाइनीज जो बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है। मगर मम्मी हूँ ना, तो इसलिए कुछ ऐसा भी ऐड करूंगी जिससे वो हेल्दी भी बने। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सोया चिली। चलिए अब मैं दिखाती हूँ उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका मेन इंग्रेडिएंट। इसमें मैंने मेन इंग्रेडिएंट है इसका सोया के चंक्स। ये थोड़े बड़े टाइप के सोया चंक्स लीजिएगा, क्योंकि ये सोया चिली में हम उनको जब डीप फ्राई करेंगे तो छोटे चंक्स उतना मजेदार नहीं लगते हैं, बड़े में बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब मैं इसका मैरिनेशन आपको बता देती हूँ। इसे मैंने लिया है ये 4 से 5 कलियां लहसुन, 2 ग्रीन चिली और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। इनका पेस्ट बना के हम पहले सोया को अच्छे तरीके से बॉइल करेंगे अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद हम उसे 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। देखिए मैंने 2 से 3 बार धो लिए थे, ठंडे कर लिए थे। मैंने अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना दिया है। मैंने लिया है इसके लिए मैरिनेशन के लिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून मैदा और सॉल्ट लिया है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अभी तो इसमें मैं कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मिला करके इनको अच्छे तरीके से कोट कर देंगे। खूब अच्छे से इसको कोट कर देना है ताकि हमारा सारा मैरिनेशन इसके ऊपर कोट हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, लगभग 2 से 3 मिनट इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसमें हम मैदा डाल देंगे और मैदा डाल के इसको अच्छे से कोट कर देंगे। अभी आपको ये बहुत पाउडरी लग रहा होगा, मगर जैसे ही इसके अंदर का मॉइस्चर सारे मैरिनेशन को अब्सॉर्ब कर लेगा, ये अच्छे से कोट हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से कोट हो गया है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड में रख लीजिए। अब सोया चिली में बढ़ने वाले और इंग्रेडिएंट को बताती हूँ। ये मैंने लिया है लगभग 4 से 5 कलियां लहसुन के लिए जिसे फाइन चॉप किया है, वहाँ 1/2 इंच का चकोरा मैंने अदरक कर लिया जिसे रिफाइन चॉप किया है। मैंने इसमें 1 ग्रीन चिली लिए जिसे मैंने फाइन चॉप किया। मैं जरा कम चिली इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि इसमें कई सारे सॉस डालेंगे जो कि काफी स्पाइसी होते हैं। और इसमें मैंने लिया है 1 ओनियन जिसको मैंने महीन महीन चॉप किया है। मैंने 1 ओनियन के मैंने वेजेस बनाए हैं। और मैंने टोमेटो और सो 1 मीडियम साइज का टोमेटो लिया है, 1 मीडियम साइज की मैंने कैप्सिकम ली है जिसे मैंने डीसीड करके बड़े बड़े वेजेस में काट लिया है। और मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया है जिससे कि हम उसका ग्रेवी बनाएंगे। मैंने इसमें लिया है 3 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है सोया सॉस। मैंने डार्क सोया सॉस लिया, मैंने वेनेगर इसमें यूज करने वाली हूँ और इसमें यूज करेंगे हम सॉल्ट। ये देखिए मैंने मैरिनेट करके जो रखे थे सोया के चंक्स कितने बढ़िया से मैरिनेट हो गए, सारा मैरिनेशन बहुत अच्छे से कोट हो गया। अब एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें हम डीप फ्राइंग के लिए लगभग 1 कप रिफाइंड। देखिए हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो गया है, अब इसमें हम अपने सोया को डीप फ्राई करेंगे। ऐसे एक एक सोया को अलग करके डालते जाएंगे इसमें। इसको डीप फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। एक ही अलग करके उसमें डाल देंगे और ऐसे ही हम अपने सारे सोया को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे अब सोया अच्छे से पक गया है। देखिए ब्राउन हो गया है, कलर डार्क हो गया है, इसी से पता चल जाता है कि ये अच्छे से पक गया है। इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब इन सबको हम निकाल लेंगे। इसके बाद अपने हम वेजीज को स्टोर फ्राई करेंगे। तो चलिए अब अपना सोया चिली बनाना शुरू करते हैं। तो सोया चिली बनाने के लिए सबसे पहले अपने वेजिटेबल्स को हम स्टर फ्राई करना शुरू करेंगे। तो स्टर फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है जिसे मैंने खूब अच्छे से हीट कर लिया है। उसमें मैंने 2 टेबल स्पून लिया है रिफाइन ऑयल। आप जो भी रिफाइन ऑयल यूज़ कीजिए उसमें ऑर्डर नहीं होना चाहिए, उससे अगर ऑर्डर वाला रिफाइन ऑयल यूज़ करेंगे तो उसका स्मेल आपके सोया चिली को ख़राब कर देगी। तो सबसे पहले मैं कैप्सिकम को स्टर फ्राई करूँगी। इसमें हार्डली 2 to 3 मिनट लगेगा। गैस की फ्लेम को हाई ही रखिएगा क्योंकि हमने वेजिटेबल को पकाना नहीं है, सिर्फ उन्हें क्रंच लाना है उनके अंदर। तो देखिए इसमें हम ओनियन भी ऐड कर देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्टर फ्राई करेंगे। लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल चारों तरफ से एक जैसी पक जाए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 3 से 4 मिनट लगेंगे। तब इससे थोड़ी थोड़ी हमारी ओनियन और कैप्सिकम पक जाएगा, तब इसमें हम अपने टोमेटो के वेजेस ऐड करेंगे। टोमेटो के वेजेस को भी हमें बहुत नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा उसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। इसको टोमेटो उसको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाइएगा, नहीं तो टोमेटो बहुत ज़्यादा पक जाएंगे तो ओवर कुक हो जाएंगे और अपना टेक्स्चर
नहीं कर पाएंगे। अब इस सारी वेजिटेबल्स को निकाल लीजिए और उस पैन में हम 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल और ऐड करेंगे, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं इसकी ग्रेवी। तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल लिया, इसमें हीट कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन। लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे ताकि वो हल्का सा पक जाए। इसमें डालूंगी जिंजर, ग्रीन चिली और इसको 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे करने लेना है हमें। इसमें सोया चिली बनाने में कुछ भी ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें ओनियन डालेंगे, फाइन चॉप कटा हुआ ओनियन डालेंगे। अब इसको थोड़ा पका लेंगे, हल्का सा ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है अच्छे से और बहुत बढ़िया से बन गया है। अब हम बना लेते हैं अपने इसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए। अब हम जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था उसको हम थोड़े से पानी में ऐड करके एक थोड़ा सा घोल बना लेते हैं, एक लिक्विड बना लेते हैं। इसमें हम डालेंगे लगभग 1/4 कप वाटर डालेंगे और इससे इसका एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे। चलिए अब ओनियन पक गया है, अब इसमें अपने सॉस ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है, इसके बाद इसमें टोमेटो सॉस और इसमें ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देंगे। इसके बाद अपने जो अपना कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया था इसको भी डाल देंगे और अच्छे से चलाते हुए इसमें पानी ऐड करते चले जाएंगे और इसको अच्छे से ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो कॉर्न बहुत इस चीज़ को लो फ्लेम पे ही करिएगा इस प्रोसीजर को, क्योंकि अब कॉर्न स्टार्च बहुत तेज़ी से पकता है, लम्स पड़ जाते हैं। तो आप जब इसे बराबर पानी थोड़ा सा चला लेंगी तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी बनके तैयार, अब हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई। इसमें इस स्टेज पर हम सॉल्ट और शुगर ऐड कर देंगे और इसमें मैं ब्लैक पेपर भी ऐड करूंगी और थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इतने सब ऐड करने के बाद इसको पका लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। आप अपनी जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें उस हिसाब से पका लीजिए। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे विनेगर। मैंने इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड किया है। विनेगर से बहुत बढ़िया सा पंजन सा टेस्ट आता है और वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकती हैं, इसमें लाइम जूस भी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि हमने सॉस ऐड किए थे, सॉस में ऑलरेडी थोड़ा सा विनेगर होता है। देखिए अब अच्छे से ग्रेवी खोलने लगी है और ये इसमें अब हम सोया के चंक्स और अपने वेजिटेबल्स को डाल करके अब घर डाल देंगे और इसको अब हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, ताकि हम क्योंकि हमारे जब सोया पकेंगे तो ये थोड़ी सी ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेंगे और तो ग्रेवी हमारी थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से आप अपनी ग्रेवी को आप उतना पका सकते हैं जितना उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा यमी सा बढ़िया सा सोया चिली तैयार हो गया है और इसको मैंने सर्व किया है लेमन ग्रास फ्लेवर सिंपल राइस के साथ में। आप इसको किसी भी चार चीज के साथ सर्व कर सकते हैं, आपके साथ फ्राइड राइस है, आपके साथ रोटी से भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।